हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और काफ़ी लंबे समय से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं चैनल पे स्ट्राइक एक के बाद एक काफ़ी जो स्ट्राइक्स हैं उनकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई हुई है। तो गाइज इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि आपको जो जानकारी देने के और कौन से तरीके हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने दो चीज़ें निकाली हैं। पहला ये कि आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं जहाँ पे हमने प्रैक्टिकल्स वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। इन फ्यूचर में यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप उस चैनल पे लगातार हमारे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। सेकेंडली ये है कि आप लोगों को हम कोशिश करेंगे हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए बेहतरीन वेबिनार्स का हिस्सा बनाएं। तो आप लोगों के लिए लेकर आए हम इस महीने भी, इस महीने की 28 और 29 तारीख को आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो वेबिनार होने जा रहे हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो वेबिनार ज्वाइनिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के अलावा जो लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छी गुड न्यूज है कि अभी मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग जो है वो एफिलिएट हो चुका है ईसी काउंसिल से, यानी कि ईसी काउंसिल से हमारा जो MEH है वो एफिलिएट हो चुका है। तो आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर करना चाह रहा है CES सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वर्जन 11 और उसमें इंटरेस्ट रखता है तो हम आप लोगों को काफी अफोर्डेबल प्राइजेस पे CES करा सकते हैं। तो गाइज ऐसी बहुत सारी ढेर सारी जो चीजें हैं और काफी सारी बातें आप लोगों से होती रहेंगी। फिलहाल हम बात करते हैं आज के इस वीडियो की और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आईफोन को अनलॉक कैसे करें, और अब तक एंड्रॉयड की तो बहुत सारी वीडियोज और काफी सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन एक ऐसा आसान तरीका जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से आईफोन को अनलॉक कर सके वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस ये काम करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि कुछ सिम्स जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सिम की मदद से कैसे, बिल्कुल गाइस कुछ हिडन चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से किसी भी आईफोन को अनलॉक कर सकता है, जैसे कि rSIM। RSIM क्या होती है? RSIM एक सिम इंटरपोजर होता है। सिम इंटरपोजर क्या होता है, आप जैसे कि यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं सिम इंटरपोजर, इसमें क्या है गाइस कि जो सिम के साथ एक बड़ी पतली सी जो चिप है वो कनेक्ट हो जाती है जिसकी मदद से आपका जो आईफोन है वो अनलॉक हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आईफोन के सभी वर्जन पे ये काम करता है। आईफोन का कोई भी वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो सबके हिसाब से आपको RSIM मार्केट से मिल जाती है। इसी की तरह की कुछ और भी सिम होती है जैसे कि GPP सिम है, टर्बो सिम है, XSIM है, वो सब लगभग इसी तरह का काम करती हैं। तो गाइज RSIM बड़ी पतली सी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बहुत पतली सी अप्रोक्स 2 mm की एक पतली सी चिप होती है जो आपकी सिम के साथ कनेक्ट होकर आईफोन को अनलॉक करने में हेल्प करती है। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये बहुत चीप है, इसको खरीदना कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, अप्रॉक्स $10 के अराउंड आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आसानी से मतलब सेफ है, इससे अगर आप अनलॉक कर रहे हो तो एप्पल की जो सिक्योरिटी है या गारंटी वारंटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी आसानी से आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। RSIM का जो अपडेट है हर iOS के हिसाब से आता रहता है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा iOS के अंदर टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, तो RSIM का भी जो अपडेट है वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये इसकी कुछ फैसिलिटीज थी, इसकी कुछ एडवांटेजेस थी जिनकी मदद से आप किसी भी आईफोन को आप अनलॉक कर सकते हैं। इवन आपको कोई खास ज्यादा एक्सपर्ट होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो गाइज डिसएडवांटेज तो कॉमन यही है कि एंड्रॉयड के लिए RSIM नहीं आता, ये सिर्फ आईफोन के लिए ही आता है। दूसरी बात, इससे कई बार क्या होता है जो अनलॉक होता है ना वो कई बार टेम्परेरी होता है, मतलब परमानेंटली अनलॉक नहीं हुआ होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में परमानेंटली भी अनलॉक आप इसे कर सकते हैं। जो सिम है अगर आपने सही ढंग से इंस्टॉल नहीं की है तो चिप की जो एरर्स हैं वो आने लगती है, मतलब कई बार नेटवर्क एरर आ गई, सिम कार्ड एरर आ गई, तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल आपको करनी है, सही ढंग से आपको कनेक्ट करना है। और ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे iOS के अपडेट्स आते हैं वैसे ही आपको जो RSIM है वो लेटेस्ट वर्जन में आपको लेनी है। और एक और खास चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कई बार स्कैमर्स के चक्कर में आप इसमें ना पड़े, एकदम जो जेन्युइन और ट्रस्टेड जो वेबसाइट है वहां से आप इसे खरीदें, कई बार इसके स्कैम भी हो जाते हैं। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी। अब मैं आपको एक और बेहतरीन सिम का नाम बताना चाहूंगा जिसका नाम है टर्बो सिम। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं यहां पे क्लियरली दिखाया गया कि टर्बो सिम को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सिम जो एक्स इंटरपोजर है उसी की तरह वर्क कर रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो जहाँ पे सिम स्लॉट है, जहाँ पे सिम लगती है वहां पे आप इसे लगा देंगे जो कि टर्बो सिम है, और उसके ऊपर आप अपनी नैनो सिम को कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इस तरह के फीचर्स आपको अपने आईफोन में देखने को मिलेंगे। सिलेक्ट अनलॉक मेथड,
परफेक्ट अनलॉक वाया आईसीसी आईडी एंड ऑटो वाया आईएमएसआई। तो ये टर्बो सिम के फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से आईफोन को अनलॉक कर सकते हैं, या फिर कई केसेस में सिम अगर लॉक हो जाती है तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। गाइज ऐसी एक और सिम है जिसे हम अल्ट्रा एस के नाम से जानते हैं, जीवे सिम उसका नाम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात यह है कि अभी जो हमारे लेटेस्ट वर्जन है उनके लिए अल्ट्रा सिम नहीं आई है, लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन आईफोन का कोई यूज कर रहे हैं तो उसके लिए काफी बेहतर ऑप्शन है, आप मार्केट से इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। तो गाइस बात आती है प्रैक्टिकल दिखाने की, तो वो प्रैक्टिकल मैं अपने दूसरे चैनल पे कोशिश करूंगा लेकर आता ही रहूंगा आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा ये एक बार मुझे जरूर बताना। इन सबके अलावा आप हमारी वेबसाइट, हमारा सेकंड चैनल देख सकते हैं, आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म फिल करें और आने वाले जो 28 तारीख को जो हमारा वेबिनार होने जा रहा है उसका हिस्सा आप बन सकते हैं फॉर्म फिल करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो लोग सीएच वर्जन 11 करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी काफी बेहतरीन ऑप्शन है, हमें ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।